ना रिंकू बना पा रहा था, ना जायसवाल बना पा रहा था, विराट तो आया ही नहीं, और सैमसन का तो छोड़ ही दो ना, सैमसन की तो बात ही मत करो। तो रोहित शर्मा ने पहले सुपर ओवर में जो दो छक्के मारे भाई, इस मैच से पता चल गया है कि रोहित शर्मा की वो सबसे बड़ी बात है कि आप में वो भूख है, कि आप में वो ताकत है, वो रॉ इंस्टिंक्ट है, किलर इंस्टिंक्ट है, जो रोहित शर्मा में तो है, और केएल राहुल में नहीं है, विराट कोहली में है, हार्दिक पांड्या में भी है। और सुशांत भाई बाहर था, अब वापसी वही है ना, जिन लोगों ने रोहित शर्मा के ऊपर विश्वास नहीं दिखाया बुरे टाइम में, नहीं रन आ रहे थे, आपने कप्तानी से हटा दिया, ये कर दिया, आज रोहित शर्मा ने उन सभी को एक आंसर दिया है कि भाई अभी मेरे में क्रिकेट बाकी है, और ऐसी बाकी है जो आपको मैच जितवाने वाली क्रिकेट है, मैच विनिंग क्रिकेट है, बिकॉज बीइंग अ कैप्टन आपको जिगरा चाहिए कि सुपर ओवर में सिर्फ 12 रन डिफेंड करने हैं, उसमें स्पिनर लगा दो, बैटिंग करते हुए 21-22 पे चार आउट हो गए हैं, वहां से अपनी टीम को 222-27 जहां भी पहुंचाए 200 के पार अपनी टीम को पहुंचा दो, सेंचुरी बना दो, सुपर ओवर में आके रन लगा दो, ये दिखाया है। मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन T20 एज फॉर इंडिया इज नॉट अ कैप्टन इन IPL हु इज करंटली प्लेइंग, इट इज शेम ऑन इंडियन क्रिकेट। भाई आपका कप्तान ही नहीं खेल रहा, ये वही बात होगी टेंबा बगुमा ये आपका इतिहास में, T20 नहीं खेल रहा, इतिहास में पहली बार हुआ है कि इंडियन कप्तान IPL किसी फ्रेंचाइजी का कप्तान नहीं है, इससे पहले आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार। क्यों आपने किया, क्यों? क्योंकि भाई वो ना चल नहीं रहा 2-3 साल से, मतलब यही है ना, आप बिजनेस कर रहे हो पर भाई क्रिकेट इमोशंस थोड़ा ज्यादा है, बिजनेस थोड़ा उसके पीछे है, IPL से पैसा बहुत बनता है, आप ये जरूर क्रिकेट का इमोशन है, आप ये भी बोल सकते हैं जब ODI वर्ल्ड कप में इस तरीके की परफॉर्मेंस थी तो थोड़ा सा लीवे मुंबई इंडियंस को, देखो मेरे जैसे जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग हमको, तो हम तो बोलेंगे हाँ। कि भाई जब तक T20 में आप परफॉर्म नहीं करोगे, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए इस कप्तान ने 5 ट्रॉफी जिताई हुई है, मैं समझ सकता हूँ बिजनेस डिसीजन, लेकिन आज इसने आके उनके मुंह पे तमाचा मार दिया ना, क्या बैटिंग की, मार दिया ना सुपर ओवर में, आपको मैं फिर से बोलूंगा जितना 125 की अहमियत है ना, मैं उससे ज्यादा अहमियत देता हूँ जो सुपर ओवर में दो छक्के मारे और फिर दूसरे सुपर ओवर में जो छक्का चौका मारा है, भाई इतना ज्यादा डीप चली जाएगी, बार 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 वो तुम्हें पुश कर रहे हैं कि जीत के दिखाओ, रिंकू से नहीं हो रहा, संजू से नहीं हो रहा, यशस्वी जायसवाल से नहीं हो रहा, वहां रोहित बोल रहा है कि कोई बात नहीं बेटा मैं हूं, और इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला अगर रोहित शर्मा के रन आ गए IPL में, अगर यशस्वी जायसवाल के रन आ गए, रोहित के रन आ गए, ऋतुराज गायकवाड़ के रन आ गए, शुभमन गिल के, तो मैं रोहित को प्रेफर करूंगा बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। ये यशस्वी जायसवाल इस टाइम पे किसी से कम बैटर नहीं है, लेकिन जब बात आई मैच जिताने की, बल्ले से बॉल नहीं लगी, बल्ले से बॉल टच नहीं हुई बॉस, जहां पे रोहित शर्मा में प्रेशर आया, 3 बॉलों में 3 रन थे, पावर 100 तो छोड़ दो, जो लास्ट में छक्के मारे, 8 छक्के मारे 125 में, वो तो छोड़ दो, जो 8 छक्के के बाद इन्होंने 3 छक्के मारे ना, पहले सुपर ओवर में 2 छक्के और दूसरे सुपर ओवर में 1 छक्का और चौका भी, वो है असली गेम, वहां पे आपकी गेम अफगानिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जीतने की, भाई 3 बॉलों में 3 रन, आदमी आ रहा है दे 6, फिर दूसरा छक्का, वो दिल जीता है, उससे हमें शटअप कॉल दी है कि नहीं मुझमें क्रिकेट T20 क्रिकेट बाकी है, मैं ही कप्तान रहूंगा, हार्दिक पांड्या ने अभी प्रूफ क्या किया है, उसको वापस तो आने दो, मैं ही कप्तान, अफगानिस्तान ने तुम्हें नाको चने चबवा दिए, हाँ ये जरूर मानता हूं मैं कि वर्ल्ड कप बहुत दूर नजर आ रहा है भाई, जब अफगानिस्तान ने तुम्हारी हालत खराब कर दी तो वाह वेस्टइंडीज में, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऐसा मैच जब आप जीतते हो ना, आपको लगता है हम इनविंसिबल है, और स्पेशली जब कप्तान जिताता है, जब कप्तान पे कॉन्फिडेंस आता है ना टीम को कि नहीं भाई हमारा कप्तान खड़ा हुआ है, ये मार रहा रन, जब ऑस्ट्रेलिया में कप्तान पे भरोसा नहीं था रोहित शर्मा पे, जब ओपनिंग हो ही नहीं रही और साथ में सोने पे सुहागा राजा बेटा, आई ओ मेरा दिल ना तोड़ो राजा बेटा, मुझे बाहर करके मेरा दिल ना तोड़ो, फैसला ये मैंने किया ना तेरा पीछा छोड़ूंगा, वो ये राजा बाबू, तो वो राजा बेटा भी नहीं वो भी आउट, हमारा कप्तान भी आउट, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, बट रोहित शर्मा के अगर रन आ गए वर्ल्ड कप में T20, भाई जो आदमी वर्ल्ड कप फाइनल में 10 ओवर में 80 रन दे रहा है आपको, वहां से आपको मैच ही जिता देगा अगर सिर्फ 20 ओवर का मैच पड़ा हुआ है, आज भी 10 ओवर में 61 थे और 20 ओवर में कितने थे, 212 150 रन भाई जो इन्होंने, इसीलिए बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट, मैंने थंबनेल ले लिया ना, रिस्पेक्ट रोहित शर्मा, रिस्पेक्ट अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान ने कोई कमी नहीं छोड़ी भाई आपको मैच हरवाने में, उन्होंने अंडर प्रेशर डाल के यशस्वी जायसवाल की भी ऐसी की तैसी कर दी, अंडर प्रेशर डाल के सुपर ओवर में रिंकू सिंह को भी बॉल नहीं लगी, संजू सैमसन तो भाई मेरी छाती के ऊपर से बाइक निकाल तू, वो होता ना मेरी छाती से निकाल नहीं गर्दन से निकाल ले, ये कर ले संजू सैमसन भाई, तू भाई मेरे दीवार पे सर मार दे, तू चाहता क्या है हमसे यार,
संजू में टैलेंट है, जस्टिस फॉर संजू, ये ड्रामे करवा लो, जब तेरे को मारने की बारी आती है तो कभी नहीं जिताता। देखो जस्टिस की बात होती है तो आपको उसको आगे कॉम्प्लीमेंट भी करना होता है, आपको आज आके चांस मिला, बारी मिली, आपको वो परफॉर्म करना चाहिए था। बट कमिंग बैक टू रोहित शर्मा लिटिल बिट, अब ये देखो कि कप्तानी इतनी शानदार, परफॉर्मेंस इतनी शानदार, हर एक चीज इस समय टॉप नोट जा रही है, और ये बताता है कि आपको आपको इंडियन प्लेयर से ना इनका वो एंकर, आपको इंडियन प्लेयर से, सीनियर प्लेयर से इनका वो एंकर इनिंग खेलने वाला काम नहीं छीलना चाहिए। जो आप शुरू में टाइम लो, वही मैं कह रहा हूं, जो आप अग्रेसिव स्टार्ट करवाने के चक्कर में आते ही तेज इंटेंट से खेलना है, एक्सप्लोसिव स्टार्ट चाहिए, उस चक्कर के आज आपने दो बहुत शानदार एग्जाम्पल देखे। पहला विराट कोहली आया जल्दी लगाने की कोशिश, आउट। इवन सेकेंड T20 में भी विराट को स्टार्ट मिली लेकिन तेज खेलने के चक्कर में विराट ने गलत सा शॉट खेल दिया, आउट। रोहित शर्मा पहले दो, पहले दूसरा मैच आप ले लो, आते ही बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट। आज रोहित शर्मा को जीवन दान मिले, पहले रोहित शर्मा अगर वो 30 गेंदों में 27 रन बनाकर खड़े हुए हैं तो आते ही अग्रेसिव इंटेंट से आपके प्लेयर से नहीं खेला जा रहा है। लेकिन अगर आपका वही प्लेयर अपनी एंकर इनिंग खेले, अपना टाइम ले, तो वो प्लेयर वो करके दिखाता है जो रोहित ने करके दिखाया। एंकर इनिंग उसे वो छीनो मत, एंकर इनिंग उसको गलत डेफिनेशन है, वो एंकर अलग चीज है। जो रोहित ने बोला कि अब एंकर इनिंग का तो कोई मामला नहीं है T20 में, लेकिन शुरू से लप्पे घुमाना, जब क्रीज पे आते ही मारना कि एक बॉल भी नहीं देखनी हट के मार दिया। आज विराट कैसे आउट हुआ है, एक बॉल भी नहीं देखनी घुमा दिया। पिछली बार रोहित कैसे डक पे आउट हुआ था, गोल्डन डक पे, एक बॉल भी नहीं देखनी घुमा दिया। वो चीज इन दोनों की गेम ही नहीं है। रोहित भी थोड़ा सा आई इन करते हैं, सेट होते हैं, थोड़ी सी एक दो बॉल मिडल होती है, एक बार रोहित सेट हो जाते हैं, ही इज नोन फॉर डैडी हंड्रेड्स, ही इज नोन फॉर डैडी हंड्रेड्स। आप ही है, आप उन सीनियर प्लेयर्स को टाइम लेने दो। सेम फॉर विराट, एक बार विराट सेट हो जाता है, किसी का प्योर नहीं आउट हो सकता, आउट कर सकता। आप जबरदस्ती प्रेशर कर रहे हो, स्ट्राइक रेट ऊपर कर लो, स्ट्राइक, अबे स्ट्राइक रेट ऊपर करने का मतलब ये थोड़ी लप्पे घुमा दोगे। और जैसे भाई की एलिगेटर भाई की सुपर चैट भी आई है, मैंने भी बोला कि बहुत अच्छी कप्तानी का डिसीजन यह था कि पावर प्ले में रवि बिश्नोई को दे दिया बॉल 11 रन डिफेंड करने के लिए। जिगरे वाला डिसीजन है बॉस, आवेश खान को नहीं दिया बिकॉज कप्तान को पता था ये पिटवा देगा, रवि बिश्नोई को दे दिया, उसने तीन मैच, तीन बॉल में मैच खत्म। यही तो प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा बनते भी है आज तो हर समय पर, सबसे बड़े पॉजिटिव रोहित शर्मा ही है इस टाइम पे। यही है ना, अगर आपका सुपर चैट दिखा दीजिएगा, ये सीनियर प्लेयर्स विराट रोहित अपना टाइम लें, बाद में तेजी से खेलें, इनको उनका नेचुरल गेम खेलने दो। जो आपने अग्रेसिव प्लेयर, अग्रेसिव खेलने वाली रणनीति बनानी है, ये नए प्लेयर्स को तो, जयसवाल को तो, गिल को तो, भाई जो आपका चीज सेट है उसे मत खराब करो, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। विराट रनर बॉल खेल रहा था 23 नवंबर 2022 को, सॉरी 23 अक्टूबर 2022 को खेल, 23 अक्टूबर 2022 ही था, खेल रहा था अपनी नेचुरल गेम, रनर बॉल खेल रहा था, बाद में उसी ने 82 नॉट आउट की पारी खेली थी, वो मैच विनिंग पाकिस्तान के सामने मेलबर्न में। तो जो जैसा है उसको वैसे ही खेल रहे, तो उसको खराब मत करो। बिल्कुल, रोहित, रोहित के पास भी वही कैलिबर है यार। अच्छा दोस्तों, सुपर चैट का सिलसिला शुरू करते हैं, मेरी जान मजा आ गया मैच में यार। माइकल सैमुएल, सुशांत सर, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय गोइंग बाय अफगानिस्तान, बट रोहित 75 balls 149 runs, भाई 150 रन मार दिया आदमी ने एक ही दिन में। रन्स टुडे अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय रोरी, आर स्क्वायर एंड अफगानिस्तान टीम। गुड माइकल सैमुएल, आ गया जी, प्लेयर ऑफ द सीरीज शिवम दुबे, प्लेयर ऑफ द सीरीज शिवम दुबे, देखिए डबल झटका। और जो मेडिटेशन कर रहे थे हार्दिक पांड्या, पूरी जान लगा दी मेडिटेशन में। शिव प्लेयर ऑफ द सीरीज दुबे, तेज गेंदबाज ऑलराउंडर मिल गया, कैप्टन की फॉर्म आ गई, एकदम से आंखें खोली है मेडिटेशन, और बोला कि अभी और मेडिटेशन करने की जरूरत है। सुपर ओवर जो बैटर आउट नहीं हुए वो वापस बैट कर सकते हैं, सेम बॉलर कैन नॉट बॉल अगेन, लेकिन वो बैटर आउट हो गया था ना भाई, रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट हो गए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है ना, कि यहीं पे कंट्रोवर्सी हुई कि रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट होके गए और फिर वापस आ गए बैटिंग करने, ये क्या बात हुई। आगे आ जाइए अमन जैन जी, शुक्रिया, इसके ऊपर लास्ट में बात कर लेंगे फिर से। बढ़िएगा सुपर चैट, बढ़िएगा जी। स्ट्रिंग्स टू बुक बोल रहे हैं, रूल, जो बैट्समैन आउट हुआ सुपर ओवर में वो बैटिंग नहीं कर सकता दूसरी बार सेकंड सुपर ओवर में। रोहित रिटायर्ड हट, रिंकू नॉट आउट, बैट अगेन। तो रोहित के लिए 15 for 1 लिखा था, बट रिटायर्ड हट कैसे होंगे, रिटायर्ड हट तो नहीं, रिटायर्ड हट यार, हट कैसे, फिर अगले सुपर ओवर थोड़ी बैटिंग, आउट ही होंगे वो, लेकिन वहां पे लिखा था यार, उन्होंने बना दिया रिटायर्ड हट, फिर रिटायर्ड हट होंगे जी। जी आगे आ जाइए, स्ट्रिंग्स टू बुक, शुक्रिया जी।
भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स यारी को और लाइक भी कर लीजिएगा। शाहिद आफरीदी की याद आ गई रवि को देखकर। हाँ वो कैसे रवि बिश्नोई को बोलिंग यार बोलिंग और अच्छा। वो हाथ नहीं करता शाहिद आफरीदी दोनों हाथ जो ऊपर कर देते हैं। अच्छा अच्छा हाँ रवि भी ऐसे करता रवि भी ऐसे करता आगे आ जाइए मतलब शाहिद आफरीदी भी ऐसे करते थे। यूएम 123 शुक्रिया सुपर चैट यूएस से भेजने के लिए। भाई सब्सक्राइब जरूर 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 करना लाइक भी करना है वीडियो को। मजा आ गया मैच में क्या मैच हुआ ना इतने दिन अफगानिस्तान इंडिया का मैच इतना क्लोज किसने सोचा था। एमिकेबल बोले 16 रन्स मेड बाय रोहित 2 इन फर्स्ट सुपर ओवर एंड सेकंड ओवर रोहित हिट 1, 6 and 4 रोहित स्टिल हैज गैस ऑफ नाइस कैप्टनसी लेफ्ट एंड सुपर ओवर 2 बिल्कुल यार सुपर ओवर यार न्यूजीलैंड वाले ऑकलैंड वाला सुपर ओवर याद आता है भाई नो डाउट आगे आ जाइए आगे आ जाइए। अरे हेट नहीं है थॉमसन जी बात कर रहे हैं रूल की। मैं तो रोहित शर्मा को प्यार ही दे रहा हूँ शुरू से। मैं तो नहीं भी जीते तो भी बोला था कि रिस्पेक्ट फॉर रोहित शर्मा।